नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार विधानमंडल का 192वां मानसून सत्र आज 26 जुलाई को समाप्त हो गया। इस पूरे मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें आयोजित की गईं। तरह तरह के जनहित के मुद्दे भी उठे, विपक्षियों ने भी जमकर हंगामा किया, सरकार ने भी जवाब दिया। लेकिन इस पूरे मानसून सत्र में जिस तरह से विपक्ष की भूमिका रही और विपक्ष का क्या मानना है, आइए सुनते हैं सुबोध कुमार राय से, जो बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मुख्य सचेतक हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मानसून सत्र के बारे में। सच पूछिएगा, दिल से अगर पूछिएगा तो हम अब किसी को सलाह नहीं देंगे ये राजनीति में आने के लिए। जिस तरह से सत्ता पक्ष द्वारा एक भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं देना, बहुत दुख हुआ। अगर नया ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें चाहिए था जो निष्पक्ष आंसर आवे, पदाधिकारी से जो सही जवाब आवे। तो अब देखने में आया जो कोई अच्छा, मैंने हमको तो लगता है जो सदन की जो स्थिति थी, गरिमा जो रहनी चाहिए थी, गरिमा नहीं रही। सरकार पूरा तरीके से तैयार नहीं था, अफसरों पर डिपेंड थी, मंत्री का कोई भूमिका नहीं था। तो अभी आपने सुना सुबोध कुमार का क्या एक्सपीरियंस रहा इस मानसून सत्र में, उन्होंने अपनी वेदना किस तरह बयान की है बताई है उन्होंने, और उन्होंने सलाह तक दी कि किसी को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर सरकार पूरी तरह से फेल है, मंत्री को उनके अधिकारी गुमराह करते हैं, जैसे तरह तरह के आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन इस बाबत जब सरकार का पक्ष हमने जानने की कोशिश की, पीआरडी मिनिस्टर हैं नीरज कुमार, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष राजनैतिक रूप से लकवाग्रस्त रहा। यह महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि विपक्ष को जो नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका कैप्टन ही लापता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर माननीय सदस्यों पर पड़ा। जनहित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न विपक्ष के नाते उनको उठाना चाहिए, बाद विवाद में अपनी बातों को रखना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गंभीरता का अभाव था। हालांकि सदन के संचालन में उन्होंने सक्रियतापूर्वक सहयोग किया, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि भाई चुनाव जीत हार होते रहता है, लेकिन एक राजनैतिक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका प्रबल रूप से अदा करना चाहिए। अनर्गल आरोप भी लगाते हैं, न खाता न बही, जो कहे वही सही। अरे भाई, कम अगर राजस्व का नुकसान होता है उसकी भी प्रक्रिया है, सर्किल रेट है, कौन है वो, उसके पिता का नाम क्या है, उसके भाई का नाम क्या है, उसका पता क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड हुआ होगा ना। तो अगर इतना भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है तो हमको लगता है कि अब तो भगवान भी मदद नहीं कर रहे। जब जनता ने ही नकार दिया तो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाने का राजनीतिक संस्कार होना चाहिए। अभी तक आपने सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।